शायद इसी को कहा जाता होगा लंका लग जाना। अच्छे खासे देश का संपूर्ण क्लेश बना हुआ है। प्रेसिडेंट हाउस हो या नेशनल ब्रॉडकास्ट हाउस, सब जगह भीड़ का कब्जा है। अब तो भाई लोगों ने सरकारी प्रसारक पर कब्जा कर देश के नाम संदेश देने का काम भी शुरू कर दिया है। और जो इस हालत के लिए जिम्मेदार है उनमें से कोई आज एयरपोर्ट पर धरा जा रहा है, कोई कल। जानकार बताते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला हाल श्रीलंका का शुरू से ही है। न जाने कितने बेल आउट पैकेज मिल चुके हैं आज तक, लेकिन बजाय अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के श्रीलंका वाले खाओ उड़ाओ में लगे रहे। रही सही कसर राजपक्षे राज आने पर पूरी हो गई, जिन्होंने अपने देश से ज्यादा चीन का पक्ष लिया और सरकारी खजाने के बजाय अपनी तिजोरियां भरी। देश और व्यक्ति में ज्यादा फर्क नहीं होता, अनुशासन वाले लोग और देश दोनों इज्जतदार तरीके से नाक ऊंची करके जीते हैं। उधार लेकर जिन लोगों को शौक बड़ी चीज लगती है, उनका हाल आज नहीं तो कल ऐसा ही होता है, पता सबको है। और इस 2 मिनट नूडल वाले जमाने में लोग हजारों साल पहले कही गई बाकी बातें माने ना माने, चार्वाक की इस बात को शब्दशः मानते हैं, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। हाँ हाँ वही, छान छान तू किसी की ना मान, निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान, बाकी तो जो है।